हेलो हेलो सोचो उसे कहते हैं आपको कारोबार आपको भी है तो देख करो सोचो आज कार कौन किरदार के साथ है उनको मैं हिंदी सुनाऊंगा अपना हिंदी तो आजकल जो टॉपिक है पाठ है सोचो जरा उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1704 में प्रयाग में हुआ था, इलाहाबाद। इसका वर्तमान नाम बदलकर प्रयाग कर दिया गया है। प्रयाग में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन भाग लेने के कारण सबसे पहले 17 वर्ष की आयु में गिर गई। साथ बाल साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों देशभक्ति के बहुत सारे गीत लिखे हैं। झांसी की रानी कुंदेवी रवि ने लिखा हुआ है और बहुत सारे कि देशभक्ति पर और उन्होंने बच्चों को लिए भी बहुत कुछ लिखा है बाल साहित्य। जुड़ रहे हैं छात्र को एडमिट हो रहा है। हेलो हेलो हाँ रुद्र द्विवेदी वेटिंग रूम में है। हाँ बच्चों नहीं पा रहे हैं का पेड़ नामक जो कविता है क्या क्या मनोभाव की सारी चीजें हम चिंता तो सबसे पहले सोचा को हम करते हैं। ये कदम का पेड़ अगर ना होता यो ना गिरे मैं भी उस पर बैठ गया ले मुझे बात तुम दो पैसे वाली किसी तरह मुझे हो जाती जिस कदम होगी डाली यही कह रहा पर मैं चुपके आता उसने की डाली से अम्मा मुझे पकड़ जाता से पास भी हो जाता। अम्मा अम्मा के सुर में मेरी मंत्री को मातुम कितनी खुश हो जाती
सुन मेरी मर्जी को मां, तुम कितने इच्छुक हो जाती, तुझे देखने का मजबूर कर तुम बाहर चलाती, तुमको आदमी एक बार भी रक्त में चुप हो जाता, एक बार मां कर सकते हो चुप जाता, तुम हो चुप देखती, तुम हो चुप देखती, चारों ओर नमुष को पाती, क्या करती हो ये सदस्य तक आजादी, पत्तों का पर्वत सुर सुर जब ऊपर आप उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर नहीं उठना जाती, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं दर करता अक्सर देखती हूं ना राजा, नीचे तो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, मैं एक लवड़ माखन पूरी मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छुपकर वो बांसुरी बहुत बुलाने पर भी मां जब मैं न उतर कर जाता, मां तब माता अर्जन तुम्हारा बहुत मुखल हो जाता, तुम आतंक फैलाकर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से विनती करते बैठ जाते, नीचे उन्हें जानते उन्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे पर आंचल के नीचे छिप जाता, तो घबरा कर आप खोलते, पर मां खुश हो जाती जब अपने मुंडा राजा को करते, हम धीरे धीरे ये कदम का पूरा करना होता जाना, लिखा है अब सदा शतन पाठ करते हैं, तुम्हें बंद कर रहा है ताकत से उसको पढ़ना है, यदि तुम गाओ तेरे अगर तो जो विशेषता
में हवा से निकला है, अर्थ निकला है, तो इधर जा रही है कक्षा में, तो हम सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ पृष्ठ क्षमता की प्रक्रिया हमारे पाठ्यपुस्तक भाषा का भाषा भाषाचार ये हमारे पाठ्यपुस्तक का नाम है, हमारे पाठ्यपुस्तक भाषा भारती चार के पाठ दस ये कदम का पेड़ नामक पाठ से अवगत की गई है मैं
ऊपर की डाली पर चढ़ जाता उन्हें कहीं पत्थरों में कर दूंगा तो बुरी जो आप इन पंक्तियों का संदर्भ उसी प्रकार के लिए हैं प्रस्तुत कविता की पंक्तियां हमारे पाठ्यपुस्तक भाषावासी उसके चार के पाठ दस कदम का पेड़ नंबर पाठ के अंदर सुनी है इसकी रचयिता श्री रविशंकर कुमार चौहान है। भावार्थ लिखेंगे पत्तों का मर्मर स्वर सुन जब ऊपर आ चुका थी उसे देख ऊपर डाले पर चुपरा जाती है तो इसलिए कहती है कि माँ मुझे खुशते हुए जब पेड़ के पास आ जाती है और पत्तों का जो मर्मर स्वर है जो पटाते पटते सबसे करीब हमें निकलती है उसको मतलब कहते हैं तो जब पत्तों की खखराहट की आवाज सुनकर वो पर आती मुझे देख ऊपर डाले पर इतनी घबरा जाती और मुझे पेड़ की सबसे ऊपर की डाले पर देख करके बहुत ही घबरा जाती गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती हूँ किया जा और मुझे क्रोध करके आप डांटने के लिए आ जाओ नीचे आ जाओ पर जब मैं उतरता कहती हूँ नहीं करता तो मुझे बोले प्यार से मुन्ना आ जाओ उतर आऊंगा ऐसा कह करके बुलाती और फिर मैं करता तो फिर आप नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी मेरे भैया नीचे उतराओ तो तुम्हें मिठाई दूंगी नए खिलौने मिठाई दूंगी नए खिलौने दूंगी आपके झुकनी होंगी मिठाई दूंगी नीचे उतराओ इस प्रकार से मुझसे आप अनुरोध करते मैं हंसकर सबसे ऊपर की गाड़ी पर चढ़ जाता और मैं आपकी बात नहीं मानता क्या करता हंसकर के ऊपर की गाड़ी पर चढ़ जाता और वही अपनी पत्तों में छुप कर फिर बात और वही पत्तों को छुप करके फिर वह वस्तु लगने लगता बहुत बुलाने पर की माँ जब मैं ना उतर कर जाता माँ तब माता अपने तुम्हारा भरोसा कर दे वहाँ जब मुझे लाकर अम्मा वहीं पेट के नीचे ईश्वर से कुछ बोलती बोलती बैठ गया हाँ आपके बहुत बुलाने पर अवश्य माँ के बहुत बुलाने पर बच्चे फिर के नीचे करता माँ बच्चे को बहुत बुलाती है बच्चा कहता है माँ के बुलाने पर किया था तब मैं बुलाता समय बहुत ही व्याकुल हो जाता और वो माँ आंचल को खिला के खड़ी हो जाती और ईश्वर से अपनी आंखें बंद करके विनती करती है जो व्यक्ति कर देती है मेरे बालक को सबसे कटरप हो तो तुम्हें धर्म में जल्दी देख मैं धीरे धीरे जाता तो मैं समझ लेता कि मेरी माँ ध्यान रखती है ईश्वर से प्रार्थना करती है उसी समय मैं धीरे धीरे चलाता और तुम्हारे पहले आगे के लिए क्यों तुम्हारा जो पहला मकसद है भगवान के सामने में जाता तुम घबरा कर आप बोलती पर मां खुश हो जाती जब अपने मुंडन राजा को घबरा कर आप बोलती घबरा कर तुम आप बोलती सोना पर मां खुश हो जाती
नहीं छुट्टी बनाइए
माखन से दूध बनाए, एक दाल रोटी अगर होता या नदी के पेट में कई पेड़ लगे हुए हैं क्या कुछ क्या मां बच्चों को नहीं पाती तो क्या होती है बल्कि भगवान कृष्ण को बच्ची बताते थे तो बच्ची की चले राम काला ताप देकर काला तर्क लेकर चले रह गया बिंदी हमें सबसे मुक्ति देने के सकते हैं निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार एवं अनुनासिका का यही उपयोग करना है क्योंकि माधुरी पंक्ति अपना अनुप आचरण मां दाती आंख पंख तो यही शब्दों को प्रयोग करना है पूछो इसमें से ये पाठ आज हम यही समाप्त कर रहे हैं कल्पना है आपको तो आज का काल आपका है हम उसके हैं इस कविता को पूरा दर्शन में गिराना है और एक कदम का पेड़ कविता को तो याद करो इसको आपको और गाकर के समय Thank you.